है दोस्त मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं टॉफिक हेल्थ डी इसमें हम बात करने वाले हैं पेट के गैस की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए यानी कि आपको उल्टी डकारें आती हैं कब्ज की समस्या रहती है एसिडिटी भी बनी रहती है पेट में तोड़ मड़ोड़ रहती है बहुत सारी समस्याएँ अगर आपको रहती है आपका ये भी शिकायत रहता है कि मैं बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है फिर भी मेरा पेट साफ नहीं होता ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं तो दोस्त जो रेमडी में बनाने के लिए आपको बताऊंगा इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको अगर आप कर लेते हैं दोस्त बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा आपकी शिकायत कभी कभी यह भी होती है सर जो आप नुस्खे बताते हो यार मेरे ऊपर कभी कभी काम नहीं करता दोस्त मैं समझ सकता हूं आपकी बातों को क्योंकि कोई भी नुस्खा या कोई भी दवा हर किसी के ऊपर काम नहीं कर सकती ये हकीकत है क्योंकि मैं अपने लाइफ में खुद किया हूं मैं अपने लाइफ में क्योंकि मेरे पिताजी जो नुस्खे करते थे उनको ठीक होता था मैं करता था मुझे ठीक नहीं होता था ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देखा हूं ये बताने वाली बात नहीं है दोस्त इसीलिए मुझे कब्ज़ जैसी समस्याओं पर बहुत सारी वीडियो बनाना पड़ता है तो आप उसको देखिए ट्राई कीजिए दोस्त यकीन आपको इतना जरूर मैं कहूंगा दोस्त कि आपका ये समस्या जरूर खत्म हो जाएगा अगर आप आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे चलिए दोस्त हम बात करने वाले हैं इस पर आज पेट की गैस की समस्या के बारे में कब्ज तोड़ मड़ोड़ उल्टी डकारों के बारे में बट उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में लाइक घंटी होगी उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी हर हाँ संबंधित नॉलेज और जानकारी आप तक हर दिन पहुंचती रहे दोस्त सबसे बड़ी बात है जब हमारे पेट में गैस बनती है तो हमको कुछ खाने का मन नहीं करता एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है हमको उल्टी डकारें आती है दोस्त हमको खाने की तरफ देखने का दिल नहीं करता हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बहुत सारी समस्याएं होती है सिर्फ कहने को तो यह गैस की समस्या है लेकिन यह समस्या कोई आम समस्या नहीं है दोस्त चलिए हम इसके इलाज के बारे में बता देते हैं आपको बनाना कैसे है और लेना कैसे है और किन लोगों को नहीं लेना है किन लोगों को लेने के लिए सारे तरीके इस वीडियो में क्लियर होने वाली है दोस्त आपको लेने होंगे एक चम्मच जीरा जो कि किराना स्टोर की दुकान पर आपको को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो उसमें से एक चम्मच आप लीजिएगा जीरा उसके बाद आपको लेना होगा दालचीनी का छोटा टुकड़ा आप देखते होंगे गर्म मसाला जो पैकेट में आता है दस रुपये का उसमें लाल लाल होता है दोस्तों छोटे टुकड़े में दालचीनी उसी का एक छोटा टुकड़ा आप ले लीजिएगा उसके बाद आपको करना यह होगा दोस्तों एक गिलास पानी लीजिएगा अब एक गिलास पानी को एक छोटे से बाउल में रख के गैस के ऊपर रख दीजिएगा धीमी आँच में धीमी आंच में रखिएगा उसके बाद उसमें एक चम्मच जीरा डाल दीजिएगा एक छोटा टुकड़ा दालचीनी उसके 10-15 मिनट तक उसको स्लो स्लो पे जब स्लो आंच पे रहेगा दोस्त तो देखेंगे आप धीरे धीरे उसका कलर ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा जब कलर में उसके डिफरेंट या परिवर्तन या अंतर आ गया तो आप क्या कीजिएगा छन्नी की मदद मतलब से उसको छान लीजिएगा छानने के बाद दोस्त आपको करना यह होगा जैसे आप उसको छाने छन्नी चान की मदद से उसके बाद उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ देना है जो आपने छाना है उसी में आधा नींबू आपको निचोड़ देना है निचोड़ने के बाद उसमें आपको आधा चम्मच काला नमक डाल देना है डालने के बाद उसको खूब अच्छे तरीके से मिला दीजिएगा मिलाने के बाद आप रात को सोते समय भी इसको ले सकते हैं सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और एक चीज़ दोस्त ध्यान रहे कि जिन भी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या हाई बीपी है उनको काला नमक नहीं डालना है ध्यान से सुन लीजिएगा जिस भी व्यक्ति को बीपी की समस्या है हाई बीपी की या लो बीपी की उनको काला मक नहीं डालना है सिर्फ नींबू और जीरा दालचीनी का सेवन करना और एक चीज प्रेग्नेंट महिलाओं की यानी कि गर्भवती महिलाओं का इस नुस्खे का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है उनके लिए बहुत सारे इलाज दूसरे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे तो दोस्त ये थी गैस के समस्या का इलाज इसमें आपको गैस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा पेट में कब्ज रहती है इससे भी छुटकारा मिलेगा उल्टी डकारें आती है इससे भी छुटकारा मिलेगा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है ऐसी बहुत सारी समस्याएं अगर आपकी ज़िंदगी में आपके जीवन में बनी रहती हैं तो सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा ये गारंटेड दवा है दोस्त ये आयुर्वेद तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग जितने की साधु महात्मा आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं क्या उनको गैस की प्रॉब्लम्स नहीं होती होती है मुझे भी होती है मैं भी आयुर्वेद तरीके से भी यूज करता हूँ आयुर्वेद तरीके का ही फार्मूला ही यूज करता हूँ मैं दोस्त किसी दूसरे या अंग्रेजी मेडिसिन का सेवन तो कभी भी नहीं करता इसी तरीके से मैं अपने लाइफ को अच्छे से इंप्रूवमेंट करता हूं अच्छे से इसकी बढ़ोतरी करता हूं इंक्रीज करता हूं दोस्तों मुझे किसी चीज़ की समस्या नहीं है तो आप देखते होंगे मैं कभी बहुत सारे दिनों से वीडियो बना रहा हूं लेकिन आप लोगों की कृपया से ऊपर वाली कृपया से और आयुर्वेद का तो बहुत बड़ा योगदान है कि ऊपर वाली कृपया से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आयुर्वेद ये जो है ये प्राकृतिक या नेचुरली चीज़ है दोस्तों अगर इसका सेवन हम कंटिन्यू करते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स हमको होती है तो भविष्य में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो आयुर्वेद से जुड़े रहिएगा दोस्त आपका हेल्थ बहुत मेंटेन रहेगा चलिए दोस्त हम वीडियो पे अगले टॉपिक पे बात करेंगे मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय गुड लक वंदे मातरम और एक चीज वीडियो पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लाइक घंटी हुई उसको प्रेस कर लीजिएगा जो वीडियो आप देख रहे ग्रुप में व्हाट्सएप या फेसबुक पर भी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा चलिए दोस्तों गुड बाय